इज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैसे है आप सब आई हो आप लोग ठीक होंगे काइट आप लोग तो पिछले वाले ब्लॉग में देखा कि जोजो की हल्दी लग गई है हल्दी के बाद वही मेहंदी की बारी चलिए आज है जोजो की मेहंदी ये देखिए मेरी जोजो तैयार होकर के आ रही है कितनी प्यारी लग रही है ना जोजो की खूबसूरती में चार चांद लग गया जब इनका लगन उठा है ये देखिए यहाँ पर मेहंदी के लिए स्टेज तैयार है पहले से ही और मेरी जोजो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर यदि मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं आप लोग तो जाइए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे तो जी जो जो आ गई मेहंदी के लिए और यहाँ से मैं गायब वो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ गई अरे मुझे भी तैयार होने का समय नहीं मिल रहा था तो मैं चली गई थी तैयार होने के लिए तब तक यहाँ पर हो रही थी सेल्फी वगैरह तो ये देखिए अभी स्टार्ट हो गई है जो जो कि मेहंदी तो यहाँ पर भैया आ गए मेहंदी लगाने के लिए भैया को आकर वेट भी करना पड़ा क्योंकि आज ही के दिन अचानक हो गया हल्दी का प्रोग्राम भी कि आज ही हल्दी भी लग जाएगा तो चलिए पहले हल्दी लगी फिर मेहंदी की बारी आ गई तो अभी यहाँ पर मेहंदी लग रही है कुछ लोग तैयार होकर के आए कुछ लोग को तैयार होने में भी टाइम लग रहा है क्योंकि हल्दी के बाद सडनली प्रोग्राम में मेहंदी का हो गया तो सभी लोग कपड़ा चेंज करने चले गए अरे ज़ाहिर सी बात है आजकल तो सारे फंक्शन में अलग अलग के कपड़े लोग पहन के घूम रहे तो क्यों ना सभी लोग कपड़ा लाए हैं तो उसका इस्तेमाल करें बस इसी सोच के साथ सभी लोग चले गए कपड़ा चेंज करने के लिए और हम ना आ गए हैं ये देखिए वन पिन वाला साड़ी पहन करके आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो साड़ी पहले पहन रखी है लेकिन नहीं गाइज मैं तो मेहंदी के लिए एकदम नया एकदम तगड़ा वाला साड़ी ख़रीदी थी मस्त वाला मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको पहनने के लिए फिर क्या हुआ मैं यहाँ पर आई यहाँ पर रस्म की जो भी होता है उसके बाद से फिर मैं गई कपड़ा चेंज करने के लिए मैं आप लोग को संगीत में देखूँगी कपड़ा चेंज करके एकदम मस्त वाला ग्रीन ग्रीन साड़ी पहन करके ये तो पहले से आप लोग देखे ही हैं लेकिन कोई नहीं चलो अभी के लिए तो मैं एकदम समय से हाजिर थी नहीं तो फिर क्या होता मैं नहीं आती तो रस्म सारे मतलब रुक जाते ना मेरे वजह से आप लोग सोच रहे हो मेरे वजह से क्यों रुकते अरे अभी तो पिछले वाले ब्लॉग देखे होंगे आप लोग तो लगा होगा ना मैं ही जान डालती हूँ सब में अरे मौज मस्ती करना है तो जान तो डालना पड़ेगा ना तो बस इसीलिए मेरे वजह से फंक्सन रुक जाते देखो मैं अपने आप को कितना इंप दे रही हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं बस मैं हंसी मजाक कर रही हूँ आप लोग भी हंसी मजाक में लेना इस चीज़ को ये देखो जो, जो जो मेरी नजर उतर रही वाकई में जो जो काफी खूबसूरत लग रही है क्यों ना नजर उतरे भाई तो देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे, जैसे लोग तैयार होकर के आ रहे हैं वैसे वैसे आकर के फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं मेहंदी के साथ माएदार संगीत का वीडियो तो मैं अलग से डालूंगी क्योंकि उसमें बहुत सारा म्यूजिक है और मैं चाहती हूँ कि डांस वाला जो भी वीडियो आए ना वो आप लोग म्यूजिक के साथ इंजॉय करें क्योंकि हुआ ही है इतना ज़बरदस्त संगीत तो ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग अपना अपना मेहंदी लगवा रहे हैं और कुछ लोग इन्जॉय कर रहे हैं बैठ के कुछ लोग गीत गा रहे हैं कुछ लोग गाना सुन रहे हैं बज रही है यहाँ पर गाना और फाइनली सभी लोग बैठ कर के इंजॉय कर रहे हैं तो जी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पीछे से आ रहा था म्यूजिक अरे होटल वाले भैया बहुत गाना बजाएं बहुत गाना बजाएं जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है और साथ में बज रही थी डीजे और अभी ना मेहंदी और संगीत के बाद खाना स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग खा रहे हैं संगीत का ब्लॉग मैं अलग से डालूंगी वो भी ओरिजिनल वॉइस के साथ इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया ताकि इस पर भी कॉपीराइट ना आए और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ मेहंदी का डाल रही हूँ और खाना का तो ये देखिए यहाँ पर बना है गुड़ वाला खीर दाल चावल और आगे क्या आने वाला है भैया और आगे है कुप्ता और ये है सब्जी और ये है दाल वाला पूड़ी पापड़ अचार चटनी सलाद अरे वाह वाह मज़ा आ गया खा करके लेकिन मुझे खाना कब मिलेगा नहीं पता है सबको खिला करके मैं खा ही लूँगी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी खा लूँगी खाने पे थोड़ा सा कम ध्यान दे रही हूँ आजकल नहीं तो बहुत ज़्यादा हेल्थी नहीं लगने लगूँगी मैं तो इसीलिए मैं खाना पे थोड़ा कम ध्यान दे रही हूँ तब तक मैं दिखा रही हूँ कौन कितना खा रहा है देखिए ध्यान से ये सभी लोग देख लीजिए मेरे जीजा जी लोग हैं सारे के सारे और सारे लोग कितना अच्छा से खा रहे हैं वाह इन लोग को देख करके के मुँह में पानी आ रहा है लेकिन क्या करें बस देख करके संतोष कर सकते हैं बहुत टेस्टी खाना लाजवाब बना था भाई जहाँ पर भगवान की कृपा हो वहाँ पर कोई चीज़ खराब हो सकता है क्या तो असीम कृपा थी भगवान की कि जोजों की, जोजो की शादी एकदम मतलब जितना चाहे थे उससे भी अच्छे तरीका से हुआ आप लोग देख रहे होंगे ब्लॉग और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग और ये देखिए अभी जोजो की खिलाने की बारी आई जोजो मेरी सुबह से भूखी हुई थी गाइज सुबह से मेरी जोजो नहीं खाई थी क्योंकि आज था हल्दी और हल्दी के दिन उपवास रह करके हल्दी लगाया जाता है हमारे यहाँ पता नहीं चारों तरफ का सिस्टम कैसा है क्या है नहीं पता है लेकिन हमारे यहाँ ना भूखे रह करके और दीदी और जीजा जी सारे लोगों को वास्ते और तभी रह, मतलब उन लोग पूजा कर पाए और इनका हल्दी चढ़ पाया देखिए जो, जो जो मैं खिला रही हूँ साथ में खा रही हैं पूजी और साथ में, में मेरा है बेटा आप लोग देखिए और एंजॉय करिए ब्लॉग तो जी हम तो यही कोशिश करते हैं कि मुझसे जितना हो सके मैं सबका उतना ख्याल रख सकूं और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि मुझसे सारे लोग खुश रहें और मैं भी इसीलिए खुश रहती हूं ताकि मुझसे सारे लोग खुश रहते हैं इसीलिए मैं भी खुश रहती हूँ देखते हैं आप लोग हमेशा मैं बिंदास रहती हूँ मुझे किसी प्रकार का कोई टेंसन नहीं रहता चाहे माए हो चाहे ससुराल हो सबको लेकर के चलना एक अलग ही मजा आता है यार तो बस देखिए मैं जोजो को खिला रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको खुश रखने में सबका ख्याल रखने में और मैं यही हमेशा कोशिश रखती हूँ कि सभी लोग हमसे खुश रहें तो बस मैं जोजो के लिए जितना करूँ उतना कम है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट कैप्चर कर पाऊँ जोजो को जाने से पहले जाने के बाद पता नहीं कब मिलेंगे क्या मिलेंगे कैसे मिलेंगे शायद ये मौका फिर हाथ लगे या ना लगे मुझे नहीं पता है लेकिन मैं जाने से पहले चाहती हूँ कि बहुत सारा चीज़ मैं जो जो के साथ कैप्चर करके रख लूँ अपने पास ताकि हमेशा याद रहे यही सारी चीज़ें हैं जो एक बेटी की विदाई के बाद याद रहती है तो ये देखिए मेरे जोजो कितनी प्यारी लग रही है हाय खाते हुए भी अभी <laughs> तो ब्लॉग देखेगी तो पता नहीं क्या करेंगी मेरा <laughs> लेकिन फिर भी मैं बॉयस ओवर करते रहती हूँ बोले मामी जुम जुम करके कौन बनाया है ब्लॉग लेकिन पता नहीं कौन बनाया जुम करके और ये देखिए फाइनली हमारे पतिदेव खा रहे हैं इनको देख करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे कि ये खा रहे हैं इनको भी खाने का एकदम टेंशन नहीं रहता है बिन्दास होकर के घूमे रहते हैं इनके पीछे लगे रहो खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए लेकिन अभी मैं देख रही हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि फाइनली ये खा रहे हैं